गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, आइसोलेशन। आइसोलेशन रिसेंटली आपने बहुत सुना होगा, जो भी इन्फेक्टेड हुआ उसको आइसोलेट कर दिया, या फिर जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से या कहीं ऐसे पर्सन से मिलकर आ रहे हैं जिसके चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, तो उन लोगों को क्या किया, आइसोलेट कर दिया गया है। और जो भी इन्फेक्टेड है उसे कम्प्लीट आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग कर देना, मतलब बिल्कुल अलग कर देना उसे, इस तरह से कि वो किसी के कांटेक्ट में ना सके और किसी को इन्फेक्ट ना कर सके, अगर वो इन्फेक्टेड हुआ तो, ठीक है। देखिए, इट मीन्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ इन्फेक्ट पर्सन फ्रॉम कांटेक्ट ऑफ अदर ह्यूमन बींग फॉर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ठीक है। जब तक चांस अच्छे, देखिए आइसोलेट क्या करा जाता है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है ताकि वो किसी के कांटेक्ट में ना आ सके और वो किसी को भी इन्फेक्ट ना करे, ठीक है। आइसोलेशन कैन बी डन आइदर इन हॉस्पिटल और एट होम। आप उसे हॉस्पिटल में भी आइसोलेट करते हैं आइसोलेशन वार्ड में, या फिर घर में किसी कमरे में जो बिल्कुल अलग कमरा हो, सारा फर्नीचर वर्नीचर निकाल के बस एक बेड देकर और जो भी वेंटिलेशन का सामान देकर उसको एक कमरे में अलग आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ आइसोलेशन डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ स्प्रेडिंग एबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो इन्फेक्शन है वो कितना स्प्रेड होने के चांसेस है, ठीक है। टच से स्प्रेड हो रहा है या स्नीज के साथ स्प्रेड हो रहा है या हवा के साथ जा रहा है, डिग्री ऑफ जो स्प्रेडेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आइसोलेशन का जो आइसोलेशन के चैम्बर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ आइसोलेशन इज टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज। कम्युनिटी मतलब होता है आसपास के रहने वाले लोग, ठीक है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, तो ये जो इन्फेक्शन है वो कम्युनिटी में ना फैले। अगर किसी को है या कुछ लोगों को है तो उन कुछ लोगों को आइसोलेट करके बाकी कम्युनिटी को बचाने के लिए हम ये आइसोलेशन करते हैं। ये रिसेंट में हमने बहुत सुना है, कोरोना में पेशेंट को आइसोलेट किया, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, क्यों, ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना करे। आइसोलेशन हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं, आपको पता ही है। द साइट ऑफ हॉस्पिटल शुड बी ड्राई, हेल्दी एंड वेल ड्रेन। कैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, वेल ड्रेन मतलब जहाँ पर जाना सैनिटाइजेशन का प्रॉपर काम हो, मतलब पानी निकलने की प्रॉपर जगह दे रखी हो। जैसे आप जाते ही आप यूज़ कर रहे हैं वॉशरूम वगैरह, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इट शुड बी अवे फ्रॉम कंजेस्टेड एरिया, जो कंजेस्टेड एरिया है मतलब भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं उनसे दूर होना चाहिए, ठीक है, भीड़ भड़ाके इलाके से थोड़ा दूर रहे आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड हॉस्पिटल में भी अगर बनाया जाता है तो ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ थोड़ा सेपरेशन हो, ठीक, जहाँ लोगों को कम आना जाना हो। कन्वीनियंट अप्रोच, जहाँ पहुँचना आसान हो, ठीक है। सेपरेट वार्ड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट इन्फेक्शन डिजीज। अगर दो तीन तरह की इन्फेक्शन डिजीज चल रही हैं, ठीक है, दो तीन तरह के इन्फेक्शन डिजीज है, मान लीजिए टीबी भी है और आपको कोरोना भी चल रहा है, तो दोनों के वार्ड अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही वार्ड में दोनों इन्फेक्शन वालों को पहुँचा दिया, पता चला इन्फेक्शन दूसरा इन्फेक्शन भी उसको हो गया, जिसको कोरोना था उसे टीबी का इन्फेक्शन भी हो गया, जिसे टीबी था उसे इन्फेक्शन हो गया किसका, कोरोना का। इसलिए वार्ड को सेपरेट रखना पड़ता है कि एक ही पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या कहती है, 144 स्क्वायर फीट का फ्लोर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए किसी भी एक पर्सन के लिए, और 6000 क्यूबिक फीट की फ्रेश एयर उसे हर घंटे मिलनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्योर वाटर रिमूवल और एक्सक्रेट एंड यूरिन। पानी, प्योर पानी की सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, आइसोलेशन वार्ड में। दूसरा जो वॉशरूम है भावा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और बार बार कंप्लीटली उसको डिसइनफेक्ट करता चाहिए रेगुलरली, ठीक है। उस एरिया को कैसा करता रहना चाहिए, डिसइनफेक्ट करता जाना। सॉइल क्लोथ शुड बी प्रॉपरली डिसइनफेक्टेड। सॉइल क्लोथ मतलब होता है यूज़ करे हुए जो आपके कपड़े हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपरली डिसइनफेक्ट। ऐसा नहीं कि नॉर्मली उनको धो दिया, नहीं, उनको डिसइनफेक्ट करना है, मतलब उनको धुलना है, उनको डिसइनफेक्शन में डालना है, बॉयल पानी में डालना है। उसके बाद भी जब अगर डिसइनफेक्ट के चांसेस रह जाते हैं कि नहीं अभी भी पॉसिबिलिटी कि इन्फेक्शन रह सकता है कपड़ों पे, तो क्या करते हैं, उसको ऑटो क्लेम में उसको हीट अप कर देते हैं या उनको क्या कर देते हैं, स्टेरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये था हॉस्पिटल आइसोलेशन।